Hello, student. Welcome back my YouTube channel. We have questions. Solve y into y square plus 1 into dx plus x into y square minus 1 dy is equal to 0. Okay. अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो हमें फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डीवाईज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में हमें गिवन इक्वेश दिया है यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसका यम एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जेक्ट है कि नहीं है अगर एक्जेक्ट रहता तो हम डायरेक्टली उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ जाएंगे और उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्म राइट करेंगे फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज यम प्लस एन डीवाई इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में हमें गिवन इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यम की वैल्यू मिल जाएगी यम इंटू वाई इंटू दिस ब्रैकेट वाई ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो हम वाई से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे वाई इंटू वाई स्क्वाट इज वाई क्यूब प्लस

एंड एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स से एक्स एक का डेरिवेटिव वन, वन इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर माइनस वन तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यू चेक करेंगे वाई, देखेंगे तो यहाँ पे थ्री वाई स्क्र है यहाँ पे प्लस वन है यहाँ पे माइनस वन है दैट मीन्स डाबा यम अपॉन डाबा वाई इज नॉट इक्वल टू डाबा एन अपॉन डाबा एक्स दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट क्वेशन इज नॉट एक्सैक्ट डिफरशियल इक्वेशन जो हमारा गिवन इक्वेशन था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करना है टोटल फाइव रूल्स है तो फर्स्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे दैट इज इंस्पेक्शन रूल ओके जो हमारे इंस्पेक्शन रूल का जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुले डिस्कस किए थे अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है अगर नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो वहां पे देख लीजिए कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो हम वहां पे इंस्पेक्शन का रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओके सो यू राइटिंग रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन रीअरेंजिंग रीअरेंजिंग टर्म्स ऑफ गिवन इक्वेशन टर्म्स ऑफ गिवन इक्वेशन इस इक्वेशन के हम टर्म्स को अगर रीअरेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहले इस इक्वेशन को हम वाई से मल्टीप्लाई करके लेंगे यहाँ पे वाई को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है वाई से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा वाई इंटू वाई स्क्वायर दैट इज वाई क्यूब प्लस वाई इंटू वन दैट इज वाई डीएक्स ओके फर्स्ट टर्म यहाँ पे मिल जाएगी प्लस एक्स से ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे है x. X से ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पे टर्म सेपरेट आउट करेंगे, Y3 ने एक Dx को करेंगे. तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा वाई क्यूब डीएक्स प्लस वाई को डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डी प्लस या भी सेम डीवाई से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है सो एक्स इंटू वाई स्क्टू डी माइनस एक्स इंटू डी जीरो इस प्रकार से हमने पे ब्रैकेट्स उसके बाद हम पे और रियाज करके देखेंगे जो टर्म्स है वो हमारे टर्म्स ओके यहाँ पे हमें वाई डी एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्स डीवाई दिखाई दे रहा है उन दोनों टर्म को हम सेपरेट करेंगे तो हम यहाँ पे मिल जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओके okay, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे प्लस प्लस पे पे है है ओके okay, उसके बाद इन दोनों टर्म को अगर हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन वाई स्क्वायर का उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई अगर आपने जो इंस्पेक्शन मेथड के वीडियो अभी अभी तक नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा तो हम यहाँ पे इस इक्वेश को डिवाइड करेंगे y square से ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा ओके सो डिवाइड 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 ऑन ऑन बोथ बोथ साइड साइड वी गेट अगर हम दोनों साइड को वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे वाई अपॉन वाई स्क्वायर डीएक्स X dy dx पे x dy लेकिन यहाँ पे हमें वाई अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पे एक वाई कैंसिल नहीं करना है हमें यहाँ पे वो स्टैंडर्ड फॉर्मुला में से कन्वर्ट करना है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे दोनों का सब्ट्रेक्शन करना है हमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है उसको हम एक ही टाइम पे राइट करेंगे और न्यूमरेटर के यहाँ पे सब करेंगे एक ही बार राइट करेंगे y square, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो रिमेनिंग टर्म्स है उसे हम राइट करेंगे यहाँ पे y क्यूब है कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा y dx प्लस वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो उसमें हमने एक और फॉर्मूला देखा था वाई डीएक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई इन टू एक्स वो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे सो यर राइट यूजिंग स्टैंडर्ड डिफ्रेंशियट फॉर्म वीकेट यूजिंग स्टैंडर्ड डिफ्रेंशियटिंग Form, we get, we get. उस, उस तो आप पिछले वाला देख लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा okay, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मिले मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन वाई स्कोर की जगह पे राइट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस यहाँ पे एक और फॉर्मुलाई का डेविटिव okay? उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे और उसके इंटीग्रेशन लेने के बाद जो हमें आंसर मिल जाएगा वह होगा हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन ओके तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑन साइड लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरेविटिव एक्स अपॉन वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेरेविटिव वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इसका हम कॉन्स्टेंट राइट करेंगे यहाँ पे डेरेविटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस डेरेविटिव मिल जाएगा वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू सी विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर पे y है इसे अगर हम कैंसिल करना चाहेंगे तो हम इस इक्वेशन को अगर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे होगा एक्स प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स दैट इज एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू वाई इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन एड कर सकते हैं Equal to इस में. Okay, सबसे पहले हमने इक्वेशन चेक किया एक्जैक्ट है कि नहीं है ओ, नहीं इसी वजह से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ आए सबसे पहला रूल था हमारा इंस्पेक्शन तो हमने ग्यूहन इक्वेशन की जो टर्मस है उसको रीअरेंज किया रिअरेंज करने के बाद जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट किया उसमें कन्वर्ट करने के बाद उसका इंटीग्रेशन लिया और हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया ओके okay, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू